मेरी बहन कितनी दयालु है। ये ले। ये ची। अब मैं भी नागिन बनूंगी। मुझे इन कबूतरों से बहुत प्यार है यार। कबूतर ने टट्टी कर दी। मुझे नफरत है इन कबूतरों से। ताज होटल में हम एंटर करने ही वाले थे कि मेरे साथ एक हादसा हो जाता है। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन जरूर दबा देना। दोस्तों अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और हम मुंबई के लिए निकल रहे हैं। स्टेशन जाने के लिए हमने मर्सिडीज बुक किया था, पर वो ड्राइवर शायद नींद से जागा ही नहीं, इसलिए मजबूरन हमें ऑटो में जाना पड़ रहा है। अबे झूठ क्यों बोल रहा है, सीधा बोलना पैसे नहीं है। ये बोलना जरूरी था। दोस्तों जिंदगी में पहली बार आज हम दुरंतो एक्सप्रेस में ट्रैवल करने वाले हैं। ला 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 ला। अबे झोला पकड़। चल बे, मैं क्यों पकड़ू, तू पकड़, मैं यही रख दूंगी। रख दे तेरे ही सामान है सारे अंदर। अब आई ना लाइन में। ट्रेन आने में अभी आधा घंटा बाकी था और हमारी बहन को जोरों की भूख लगती है। भाई चल ना कुछ नाश्ता कर लेते। अबे पागल, हम दुरंतो एक्सप्रेस में जा रहे हैं जहाँ खाना पीना सब फ्री में मिलता है। अरे हाँ रे भैया, दुरंतो कब आएगी? जब उसका मन करेगा। थैंक यू भैया। चलो कौवा उड़ाते हैं। कौवा उड़। रोज एक नंबर पे आती है दुरंतो, पर आज हम आए बोल के सीधा 4 नंबर पे आ रही है। क्या हम ही अकेले हैं दुनिया में जिसको जिंदगी सता रही है? मेरी ट्रेन छूट गई रे। लगता है हम अकेले नहीं है। नाइस। फाइनली हमारी दुरंतो आ जाती है। ट्रेन निकलते ही हमारी बहन बोली, भाई खाना कहाँ है? हे भगवान, भूख के मारे हमारी बहन अजीबो गरीब हरकते कर रही है। अरे कोई खाना लाओ रे। खाना देखते ही हमारी मुरछाई बहन के चेहरे पे हंसी आ जाती है। देखते हैं नॉनवेज में क्या आया है। आलू। अरे भाई रुक रुक, कुछ भी खाने से पहले एक टुकड़ा निकाल के फेंकना होता है वरना पेट दर्द होगा। पुणे मुंबई रूट में आपको ढेर सारे टनल्स मिल जाएंगे और अंधेरे का फायदा उठाते हुए मैंने बहन को जड़ दिया। इधर हम मुंबई पहुंचने ही वाले थे कि बहन ने अपना मेकअप शुरू कर दी। अबे ये क्या लिपा पोती कर रही है? तेरे को क्या, मुंबई जा रहे हैं हम मुंबई। क्या पता कोई फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर रास्ते पे मिल जाए और कहीं वो मुझे पसंद करके अपनी फिल्म के लिए साइन कर दे तो। Okay. मेरी बहन जब भूखी होती है ना तो इसी तरह की उठपटांग बातें करती है। जोश जोश में हम मुंबई पहुँच तो गए, पर अब समझ नहीं आ रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। मुझे कार्तिक आर्यन से मिलना है। फिर हमारी नजर एक इंसानों की झुंड पे पड़ी जो एक दिशा में जा रहे थे, तो हमने भी उनके पीछे पीछे आगे जाने का फैसला किया। Okay. अरे ये बहन इतनी खुश क्यों नजर आ रही है? फिल्म जॉब तेरी। अरे बहन तेरी तो किस्मत निकल पड़ी। अब मैं भी नागिन बनूंगी। भैया CST के लिए 2 टिकट दीजिए ना। 20 रुपए मैडम। 20 रुपए? अरे पास ही तो है भैया, 10 रुपए लीजिए ना। अरे मैडम सब्जी नहीं बेच रहा मैं इधर। भाई पैसे निकाल। 20 रुपए के टिकट निकाल के हम भाई बहन लोकल में धक्के खा के CST पहुंच जाते हैं। अरे वाह क्या स्टेशन है बे। अरे ये मुंबई के लोग भी हम जैसे ही दिखते हैं यार, 2 हाथ 2 पैर, कितना बड़ा घंटा है बे, शायद पेट्रोल डीजल से चलता होगा। ये स्टेशन है कि कोई शॉपिंग मॉल है? हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसीलिए हमने CST स्टेशन के ठीक ऑपोजिट में सिटी होटल में 3000 में 2 रूम ले लिए। हालांकि रूम बहुत छोटा है, पर उससे क्या, हमें तो बाहर ही घूमना है दिन भर। और ये है बहन का रूम। अरे इन लोगों ने तो शैम्पू और साबुन भी दिए, पर इन्हें कौन बताए हम सर्दियों में नहाते ही नहीं है। कोई ना, घर ले जाऊंगा। सो फार सो गुड। तो गाइस आज पहला दिन है मुंबई में और हम रेडी हो चुके हैं बाहर जाने के लिए। चलिए पैसे उड़ाते हैं। बिना देरी के हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया में। अरे भाई देख इस बेचारे गाड़ी का छत उड़ गया। अरे पागल, ये मुंबई दर्शन का डबल डेकर है, ऐसे ही रहता है। मुझे इन कबूतरों से बहुत प्यार है यार, मन करता है इन सबको घर लेके चले जाऊं। दोस्तों आधे घंटे से हम बुरी आत्माओं की तरह भटक रहे हैं, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। फिर एक दयालु अंकल ने हमको सही रास्ता दिखाया। ओ भाई साहब, इतने सारे मानव प्रजातियों को देख के हमारे तो होश उड़ गए, इतनी लंबी लाइन। वैसे हम चाहते तो अपना नाम बता के VIP एंट्री ले सकते थे, पर हम ये छोटे काम करते ही नहीं है। अरे बोलना, कोई पहचानता नहीं तेरे को। गेटवे ऑफ इंडिया को हम सिर्फ आज तक बॉलीवुड की फिल्मों में देखते आ रहे थे, पर आज जब इसको सामने देखा तो एक खूबसूरत सी फीलिंग आ रही थी अंदर से, जिसे हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। यहाँ चारों तरफ एक मानव प्रजाति बहुत बड़े तादाद में नजर आ रही थी। इस प्रजाति को फोटोग्राफर बोलते हैं। इनकी वार से कोई नहीं बच पाता है, जो भी इनके सामने दिखा ये ले लेते हैं फोटो। भाई मुझे ताज होटल में खाना खिला देना, अभी तो बड़े भाई होने का फर्ज निभा। चल ठीक है, पक्का ना? हां रे। चल निकलते हैं फिर, निकल। ताज होटल में हम एंटर करने ही वाले थे कि मेरे साथ एक हादसा हो जाता है। कबूतर ने टट्टी कर दी मेरे ऊपर। मैंने क्या बिगाड़ा था यार तुम लोगों का। अरे भाई रो मत, इतने लाखों लोगों में कबूतरों ने बस तुझे ही चुना आगने के लिए, सोच कितना लकी है तू। प्लान चेंज, आज मैं तेरे साथ आज होटल नहीं जाने वाली। मेरी बहन कितनी दयालु है। ये ले। ये ची।
मुझे नफरत है इन कबूतरों से। बदला तो मैं लेके रहूंगा। अरे बहन एक फोटो खींचना इस जगह पे। अरे पर क्यों? बताता ना मैं। ओके नाइस। चल डन। अब बता इस जगह पे क्यों फोटो खींचना है तुझे? क्योंकि 10 साल पहले ठीक इसी जगह खड़ा होके मैंने फोटो लिया था। तब मैं बहुत गरीब था। ओ अच्छा अच्छा सो सैड। आज 12 साल बाद मैं इधर आया हूँ। आज भी गरीब हूँ। फाइनली बहुत मुश्किलों बाद अपने बजट में एक बेस्ट होटल मिला हमें, दिल्ली दरबार, वो भी ताज होटल के ठीक पीछे। इस होटल का डिमांड इतना है कि अंदर टेबल पाने के लिए लोगों को बाहर ऐसे लाइन में लगना पड़ता है। अरे हमारी बहन तो बेहोश हो गई। आप लोग भी अगर गेटवे ऑफ इंडिया घूमने आते हो तो दिल्ली दरबार का खाना जरूर ट्राई करना। टेस्ट एंड प्राइस दोनों बेस्ट, हाईली रिकमेंडेड। सो कुछ इस तरह से इस खूबसूरत से पान के साथ आज का दिन खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको मुंबई की फैशन स्ट्रीट लेके जाने वाले हैं, जहां हम भाई बहन एक दूसरे के साथ एक गेम खेलने वाले हैं, जिसके एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी होगा। उस वीडियो का इंतजार करिएगा। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और खुशियां बांटते रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर का बटन दबाने में शर्माना मत। बेचारी बेहोश हो गई खाने के इंतजार में।